सो हेलो गाइस, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे ढिंचाक चैनल के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ढिंचाक चैनल केबल टीवी के प्लेटफॉर्म पे बंद हो गया है। पूरी जानकारी के लिए बने रहे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक करिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों बता दूं, फास्टवे केबल जो कि जनरली पंजाब हरियाणा में इसके सब्सक्राइबर बेस सबसे ज़्यादा है, और फास्टवे केबल के प्लेटफॉर्म पे गोल्ड माइंस का चैनल ढिंचाक चैनल जो कि फ्री टू एयर मूवी कैटेगरी का चैनल था, और साथ ही दोस्तों अगर टीआरपी में भी बात करें तो पे और एफटीए दोनों प्लेटफॉर्म पे चैनल टॉप 5 में शामिल हो रहा था। तो फास्टवे केबल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बैड न्यूज़ है कि ढिंचाक चैनल अब फास्टवे के प्लेटफॉर्म पर आप नहीं देख पाएंगे। इसकी ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन आज ही प्राप्त हुआ है कि ढिंचाक चैनल फास्टवे केबल के प्लेटफॉर्म से पंजाब हरियाणा साइड में बंद कर दिया गया है, यानी कि अब ढिंचाक चैनल को फिलहाल अब आप देख नहीं पाएंगे। कुछ दिन पहले ही गोल्ड माइंस ने 3 नए चैनल लॉन्च करने के बारे में कहा था, और उसके साथ ही दोस्तों फास्टवे ने भी ढिंचाक को बंद कर दिया है। अब आप लोगों का यहाँ पे मन में सवाल चल रहा होगा कि आखिर ढिंचाक चैनल फास्टवे केबल्स के प्लेटफॉर्म से क्यों हटाया गया। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जितने भी एफटीए चैनल्स होते हैं, बड़े एमएसओ के प्लेटफॉर्म पर चैनलों को चलाने के लिए कैरेज फी देना होता है। हो सकता है इनकी कैरेज फी का इशू हो या कोई इंटरनल इश्यूज होगा, जिस वजह से फ़िलहाल इस चैनल को रिमूव कर दिया गया है। जैसी कैरेज फी या इंटरनल सेटलमेंट हो जाएगा तो एक बार चैनल फिर से आपको वापस देखने को फ्यूचर में मिल सकता है। तो फिलहाल फास्टवे के सब्सक्राइबरों के लिए बैड न्यूज है कि उनको अभी ये चैनल देखने को नहीं मिल पाएगा। होप सो गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए। थैंक यू।